बहुत ही जगह क्लिक किया बच्चों आपने, देखिए अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इससे पहले वाला क्वेश्चन देखेंगे, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। पहले पार्ट वन देखें, पार्ट टू देखें, पार्ट थ्री देखें, क्योंकि जितने भी पार्ट वाली वीडियो सारे पहले इनिशियल से देखेंगे तो ज्यादा अच्छी तरीके से क्लियर होगी चीजें। अब ध्यान से देखिएगा, कह रहा है ए बस ऑफ ए मास 5000 केजी स्टार्ट फ्रॉम अ रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल इफ इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर इन 10 सेकंड कैलकुलेट एस्केलेशन एंड फोर्स। एस्केलेशन और क्या निकालना है हमें? फोर्स निकालना है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट कोई दिक्कत? ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन जो है वो लिख देंगे। मास कितना है हमारा? 5000 केजी, ठीक है। इट ट्रेवल ए डिस्टेंस, हमें पास क्या दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि 200 मीटर है ना। अब उसने टाइम दे रखा है 10 सेकंड है ना। अब हमें निकालना क्या है, ए निकालना है और हमें क्या निकालना है, एफ निकालना है, ठीक बच्चा। यहां तक कोई डाउट कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बताएं। तो हम क्या करेंगे बच्चा, सबसे पहले हम लगाएंगे जो गति की तीन इक्वेशन मैंने बताई थी, मोशंस की तीन इक्वेशन आपको दिए थे मैंने, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस। ओह ये तो यूज होगी ना बेटा, अच्छा तो वहाँ उसी का तो यूज है, ठीक है। तो मोशन की इक्वेशन, मोशन की इक्वेशन तो मोशन मोशन लॉ में नहीं लगेगी भाई, ठीक है। इधर देखें, बता रहे करा रहे, देखिए इधर सबसे पहले हम करेंगे एस का, यहाँ पे देखो हमें क्या क्या गिवन है। अच्छा वो इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो उसका मतलब यू की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। तो यहाँ तक कोई डाउट, यू की वैल्यू क्या हो गई, तो हमारे पास देखो इस वाले इक्वेशन में देखो सारी चीज गिवन है, तो हम पहली वाली इक्वेशन इस वाली इक्वेशन को पकड़ लेते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक निकालना है बाकी सब गिवन है। एस की वैल्यू कितनी बेटा, ए की वैल्यू निकालनी, टी की वैल्यू 10 है, ठीक है। जीरो का 10 से मल्टीप्लाई करो, जीरो हो जाएगा, ये काट दो, 2 5 10, ये 50 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा भाई, मल्टीप्लाई में नीचे तो आएगा 5 के 20। तो ए हमारा कितना आ गया बच्चा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट? अब कह रहा है एक बस जिसका द्रव्यमान, अच्छा ठीक है, ए आ गया, अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है क्या, एफ। ए आ गया, अब एफ इज इक्वल टू एम ए, हमने फॉर्मूला दिया था आपको, एम की वैल्यू क्या है, 5000, कितना है बच्चा, ए कितना है हमारा, अभी हमने निकाला 4, तो कितना होगा, 5 चौक 20 न्यूटन, 5 चौक 20 न्यूटन, 20000 न्यूटन आपका आंसर आ चुका है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताएं, किसी को भी कोई डाउट हो कोई दिक्कत हो कोई समस्या हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करेगा। सभी को मेरा राम राम।